ये ब्लूटूथ से चल रहा है। दोस्तों देख सकते हो इसका जो बैक कवर है इसको निकाल दिया है, और इसमें देखने पड़ेगा ऑडियो इनपुट कहाँ से हो रहा है और जो पावर के लाइन कहाँ इनपुट हो रहा है इस ऑडियो बोर्ड में। ठीक है, ये जो है ऑडियो बोर्ड है देख सकते हो, और ये जो वाला है ये ऑडियो आईसी है। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो वायर है इस स्पीकर में इनपुट हो रहा है। ठीक है, ये वाला स्पीकर जो है इसमें इनपुट हो रहा है। इसमें चार वायर कनेक्ट है, दो स्पीकर के लिए और दो एलईडी को ऑन करने के लिए। इसमें जो आरजीबी एलईडी है रेड वाला और ब्लैक वाला जो वायर है इस एलईडी को ऑन करने के लिए आरजीबी, और स्पीकर के लिए ये ग्रीन और व्हाइट वाला। ठीक है, और इस जैक में ये वाला जो जैक है 3.5 mm का ये वाला है। ठीक है, इसमें देख सकते हो इस वाला और ये वाला जो पावर देने के लिए जो बॉक्स में जो पावर देने के लिए ये वाला सॉकेट है, और ऑडियो इनपुट के लिए ये 3.5 mm जैक से ऑडियो इनपुट होता है इस बोर्ड में। ठीक है, ये वायर देख सकते हो 5 वायर है इसमें। ठीक है, ये जो रेड वाला है ये 5 वोल्ट इनपुट का है रेड और ब्लैक, और ऑडियो ऑडियो के लिए ये ब्लू व्हाइट और ग्रीन इसमें लिखा हुआ भी है बोर्ड में। बोर्ड में लिखा हुआ है लेफ्ट राइट, लेफ्ट ग्राउंड, ग्रीन वाला राइट है, व्हाइट वाला लेफ्ट है, और ब्लू वाला ग्राउंड है, और 5 वोल्ट के लिए ये रेड वाला 5 वोल्ट का प्लस है, और ये ब्लैक वाला 5 वोल्ट का ग्राउंड है। ठीक है दोस्तों, ये ब्लूटूथ रिसीवर मॉड्यूल है। ठीक है, ये इसका नंबर देख सकते हो 1.8 BT। ठीक है, मार्केट में 40 से 50 रुपया तक मिल जाएगा ये वाला कार्ड। इस कार्ड में भी देख सकते हो मैंने कनेक्शन करके रखा है, लेफ्ट आउटपुट का है, बीच वाला जो है ग्राउंड है ब्लैक वाला, और व्हाइट वाला है राइट आउटपुट का। ठीक है, ये तीनों जो वायर है इसमें ऑडियो आउटपुट होगा इससे, और VCC और ग्राउंड 5 वोल्ट के लिए ये दो वायर है इसमें इस ब्लूटूथ कार्ड में इनपुट होगा 5 वोल्ट। ठीक है, रेड कलर है VCC और ब्लैक जो है ये ग्राउंड के लिए है। ठीक है, इस ऑडियो बोर्ड में भी लिखा हुआ है, देख के कनेक्शन करने पड़ेगा। राइट में व्हाइट वाला वायर कनेक्शन है, और इधर पे भी राइट है, ये वाला जो राइट है उसका बाद लेफ्ट, उसका बाद ग्राउंड। देख सकते हो दोस्तों, पांचों मैंने लेफ्ट राइट ग्राउंड और 5 वोल्ट का कनेक्शन कर दिया है। ठीक है,
तो ऐसा करके आप ब्लूटूथ कार्ड को इंस्टॉल कर सकते हो। होम थिएटर में ब्लूटूथ नहीं होगा, या ऑडियो एमपी प्लेयर में अगर ब्लूटूथ नहीं होगा, ऐसा छोटा मोटा स्पीकर में अगर ब्लूटूथ नहीं होगा, तो ऐसा तरीका से आप ब्लूटूथ इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कार्ड हर मार्केट में मिलता है, 40 से 50 रुपये तक मिल जाएगा। ये वाला जो बैक कवर है इसको लगा दिया है, देखो दोस्तों, अभी ब्लूटूथ से चला के दिखाएगा। देखो कनेक्ट हो गया है ब्लूटूथ। ये ब्लूटूथ से चल रहा है, ये जो 3.5 mm का जैक है इससे भी चलेगा। ठीक है, तो ब्लूटूथ को ऑफ कर देगा। उसके बाद ये जो सॉक 3.5 mm का जैक को इधर पे कनेक्ट करने से देखो सिंबल आ गया है, अभी ऑन कर देने से हो जाएगा। और इसको ऑफ करके ब्लूटूथ को ऑन करने से ब्लूटूथ फिर से कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा करके आप ब्लूटूथ को इंस्टॉल कर सकते हो, इसमें 40 से 50 रुपये में आपका ब्लूटूथ हो जाएगा। एमपी प्लेयर हो या होम थिएटर हो जिसमें ब्लूटूथ नहीं है, उसमें ब्लूटूथ ऐसा करके कनेक्शन कर सकते हो। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक भी कर देना दोस्तों, और कमेंट जरूर करना। नमस्ते दोस्तों।